बिहार में आज दूसरा दिन है मेरा। कल मैं सिलीगुड़ी की तरफ से पूर्णिया वाले साइड एंटर हुआ, और कल तो शाम को ढाबा मिल गया था एक। उसके बाद आज सुबह निकला हूँ, बरसात का मौसम है, थोड़ी दूर आगे आया हूँ तो साफ दिख रहा है, कुछ बरसात का कोई नामो निशान नहीं है, तो शायद इस तरफ इसी तरीके का है थोड़ा मौसम कि 4 किलोमीटर में आपको बारिश मिलेगी, 4 किलोमीटर आपको शायद थोड़ा साफ एरिया मिल जाएगा। बिल्कुल, पिछले कई दिन से सुन तो रहे थे कि बिहार में बाढ़ आई हुई है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को, बट अभी तक तो मुझे दिखी नहीं है कुछ। बट हो सकता है आगे 2 रिवर्स आनी है, बड़ी बड़ी क्रॉस करनी है, तो उनके आसपास का एरिया शायद हो फ्लड से अफेक्टेड। बंगाल की तरह बिहार में भी गांव जो है वो छोटे छोटे ही हैं, उतने बड़े नहीं हैं, और बिहार में जैसा कि हम सब जानते हैं डेवलपमेंट की जो कमी है वो रूरल एरियाज़ में साफ दिख रही है, रूरल के अर्बन एरियाज़ में भी देखा है। तो जैसे ही आगे मैं कुरसेला अंचल में प्रवेश हुआ, अंचल यहाँ पे एक हमारे तहसील या सूबा लगा लीजिए इस तरीके का कुछ बोलते हैं, तो वहाँ पे जो वो एरिया कोसी नदी के आसपास पड़ता है पूरा इलाका, और वहाँ मुझे साइंस दिखने शुरू हो गए कि ये फ्लड का एरिया अब शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों का जो झोपड़ियाँ थी या घर थे वो पानी में या पानी से घिरे हुए थे, और सड़क के दोनों तरफ जैसा कि आसाम में देखा था मैंने, टेंट लगा के लोग अपने जानवरों के पशुओं के साथ साथ अपने घर और सारा सामान लेके सड़क के किनारों पर रह रहे थे। तो वो एक थोड़ी दूर का नहीं, बहुत दूर तक चला था ये सिलसिला, कई किलोमीटर तक। और जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था सिचुएशन और ख़राब दिखती नज़र आ रही थी, सड़क के दोनों तरफ खूब दूर तक पानी पानी, एक गांव का तो रास्ता जो था वो आधा पानी में टूटा हुआ था, और बड़े व्हीकल वहाँ से क्रॉस नहीं हो रहे थे, साइकिल या बाइक और पैदल लोग जैसे तैसे करके उसको क्रॉस कर रहे थे। तो ये सारा का सारा पानी इस तरफ नहीं होता यूजुअली, बट अभी बारिश और फ्लड की वजह से है। लोगों के साथ साथ उनके पशुओं के लिए सबसे बड़ी समस्या थी जो गाय और भैंसे उनके पालतू पशु हैं, क्योंकि उनको रहने के लिए कोई सूखा स्थान नहीं मिल रहा है, और कई तो इस तरीके की जगह थी जहाँ पे दलदल में रह रहे हैं वहाँ के पशु, मतलब वो शायद बैठ भी नहीं पा रहे हैं कितने दिनों से। आसपास लोगों से पूछने पर पता चला कि जितने भी लोग झुग्गियों में इधर रह रहे हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, कि लगभग 25 दिन 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा है, इसी तरीके से हैं ये, और जिनके पशु हैं उन्होंने वहाँ से लाकर सड़क के किनारे आसपास जहाँ भी जगह मिली है उन वहाँ पर बांध रखे हैं। पर कई जगह पे सड़क के किनारों पे भी जैसे कि नीचा एरिया है तो वहाँ पे भी पानी ठहरा हुआ है काफ़ी दिनों से, तो चारा है नहीं उनके पास कोई खास, ना कोई ऑप्शन है जहाँ पे कि अपने बच्चों को या फैमिलीज़ को या पशुओं को कहीं सेफ जगह पे वो रख सकें। बाकी यहाँ के हालात और नज़ारे आप आगे खुद
खुद ही देख लीजिए।